वेंकैया नायडू नेशनल ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक जो कि आज दोपहर ही पहुंच चुके थे लखनऊ, आपसे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तस्वीरें तो यही बयां कर रही है। योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है, सीएम उत्तर प्रदेश के कल शपथ लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम कल शपथ लेंगे। दिनेश शर्मा पूर्व मेयर कल शपथ लेने वाले हैं डिप्टी सीएम के तौर पर। कार्यकर्ताओं को मैं सूचित करना चाह रहा हूँ, सभी कार्यकर्ता बाहर जाइए, प्रेस के साथ वार्ता है। कार्यकर्ता तुरंत बाहर जाए। मित्रों, कार्यकर्ताओं को अगर सुनाई दे रहा है तो हल्ला मत करें। हरीश जी, राकेश त्रिपाठी, मंच को जरा छोड़ दो। चंद्रमोहन जी, मनीष जी, मित्रों, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता की प्रक्रिया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय बोर्ड के सदस्य और केंद्र सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माननीय वेंकैया जी पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित थे और उनके सहयोगी के नाते मैं उपस्थित था। हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय ओम प्रकाश जी माथुर, अपना दल की हमारी नेता और केंद्र में मंत्री बहन अनुप्रिया जी, और बड़े हर्ष के साथ मुझे आपको बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नवनिर्वाचित नेता योगी आदित्यनाथ जी, जो प्रदेश के नेतृत्व की दृष्टि से विधायक दल के द्वारा जो उनका चयन किया गया है, माननीय केशव मौर्य जी यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं, मैं माननीय वेंकैया जी से निवेदन करूंगा कि वे सारी कार्यवाही को विस्तार। कृपया पार्टी कार्यकर्ता कोई बैठे हो तो खड़े हो जाए प्लीज। पत्रकार से मेरा अनुरोध है, आपके बगल में कौन बैठे देखिए, खड़े हो जाओ ना, मैं आऊँ क्या बाबू? पार्टी का कार्यकर्ता है, दूसरी का एजेंट है। सेलफोन वाले सब सेलफोन बंद करिए प्लीज, कोई सेल्फी फोन नहीं होना चाहिए। पत्रकार से भी मेरा अनुरोध है प्लीज, आप लोग जब तक शांति नहीं बने रहेंगे मैं बोलूंगा नहीं। वहां खड़े है कार्यकर्ता, सब बाहर जाना प्लीज, एकदम सिक्योरिटी वाले जाएंगे, सबको चक्कर के। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, तो आप लोग कौन है प्लीज, मैं शुरू नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। जब तक जो खड़े है वो सब लोग पत्रकार है तो रहने दिए, बाकी लोग तो बाहर बजिए प्लीज। आप लोग कौन है भाई बाबू? प्लीज मैं आऊँ क्या? चलो बाहर चलो ना, कोई सीनियर जाके उनको समझाइए, एकदम बाहर जाना, बार बार समय बर्बाद मत करिए, राज्यपाल के पास जाना है अभी। ये खड़े हैं लोग कौन है पत्रकार? अरे को चेक करिए, वहां वाले वहां सेलफोन और कौन रहे पार्टी का कार्यकर्ता है ना, बाहर जाना प्लीज। सिक्योरिटी वहां, मित्रों जो असुविधा हुआ आप लोगों के लिए, इसके लिए हम लोग क्षंतव्य है। कारण क्यों हुई? भारतीय जनता पार्टी एक अलग पहचान का पार्टी है,
इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कोई असुविधा ना हो किसी को भी, मगर माहौल आपको मालूम है, एक त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में लोग भारतीय जनता पार्टी का भारी सफलता जो विजय हमने हासिल किया इसका उत्सव बना रहे, मगर उत्सव में भी कुछ पद्धति होता है, इसलिए मैं थोड़ा कठोर शब्द प्रयोग करके उन लोग को बाहर भेजने के लिए कहा। अदरवाइज वो हमारा पार्टी कार्यकर्ता है। मित्रों, आज चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक हुआ, उसमें यह तय हुआ उत्तर प्रदेश के लिए विधायक दल का बैठक के पर्यवेक्षक के रूप में मुझे दायित्व दिया है और मुझे मदद करने के लिए श्री भूपेंद्र यादव राज्यसभा सदस्य महामंत्री पार्टी का, उनको भी हमारे साथ जुड़ा है। हम आवे आज सुबह से विधायकों से जो मिलना चाहते थे मिलते रहा, बातचीत करते रहा और यहां का विधायक का मन क्या है वो भी जानने के लिए कोशिश किया। उसके बाद हम आपस में, हम सीनियर लोग भी बैठे थे, आपस में चर्चा भी किया है, पूछताछ भी किया है जिनसे पूछताछ करना उनसे। उसके बाद हम विधायक दल का बैठक बुलाया, विधायक दल का बैठक में सभी नवनिर्वाचित सदस्य उनका समक्ष में मैं पर्यवेक्षक के रूप में प्रस्ताव रखा है। आज विधायक दल का बैठक में विधायक दल का नेता का चयन का एक ही मात्र विषय है। इस प्रक्रिया में लोगों को मैंने अनुरोध किया कोई भी किसी का नाम प्रस्ताव कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद फिर वहां पार्टी का एक वरिष्ठ विधायक और सबसे सीनियर श्री सुरेश खन्ना जी ने श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का नाम का प्रस्तावना रखा है। उसके बाद श्री दारा सिंह जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री एसपी बघेल जी, श्री वीरेंद्र सिरोही जी और मुकुट वर्मा जी और अन्य ऐसा 11 लोगों ने ये प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उसके बाद मैं हमारा जो पार्टी का विधि विधान है उसके अनुसार पूछा, योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने, कारण क्या है मेरा दायित्व है, मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया ऐसा मैंने घोषणा किया है। घोषणा करने के बाद मैंने मेरा पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमित भाई शाह को मैंने मैसेज भेजा है, ये प्रक्रिया पूरा हो गया और श्री योगी आदित्यनाथ जी विधायकों को धन्यवाद देते हुए अपना धन्यवाद भाषण में उन्होंने एक विषय अंत में कहा है, वो ये है, उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जो दायित्व मुझे दिया है इस दायित्व को ठीक तरह से संभालना है तो प्रदेश के हित में मुझे दो सीनियर साथियों का मुझे अवसर है, इसलिए दो सीनियर साथी को केंद्र पार्टी अनुमति दे, उनको भी मेरे साथ जुड़ने के लिए अनुमति दी जाए ऐसा कहा है। तो जो प्रस्ताव मैंने सुना, प्रस्ताव सुनने के बाद मैंने वहीं से हमारा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह से बात किया और बात करके उनका ये प्रस्तावना उनको बताया, योगी जी का जो प्रस्तावना है संदेश भेजा, फिर बात भी किया है। बात करने के बाद, आपस में चर्चा करने के बाद और प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछताछ किया है करने के बाद पार्टी ने तय किया श्री योगी जी को सहयोग देने के लिए एक वरिष्ठ नेता माने प्रदेश अध्यक्ष जिनका नेतृत्व में हम चुनाव लड़ा है, हाँ चुनाव का संचालन हुआ है, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में, पहला उनको उप मुख्यमंत्री और दूसरा श्री दिनेश शर्मा जो अनुभवी है, लखनऊ से है, पूर्व मेयर भी है, अफसर से परिचित भी है, उन दोनों को योगी जी का साथ देने के लिए दोनों को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए ये अधिकार मुख्यमंत्री को केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड ने भी दिया है। आपको मालूम है संविधान के अनुसार ये मुख्यमंत्री का चयन विधायक दल का नेता का चयन विधायक करते, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन खुद मुख्यमंत्री करते, मगर हमारा लोकतंत्र में पार्टी सिस्टम में पार्टी से भी पूछताछ करके
अपना जो मंत्रिमंडल का नाम वगैरह तय करते हैं। उसी परंपरा के अनुसार श्री योगी जी ने हमसे पूछताछ किया है और हमने प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्ष से बात करने के बाद ये दो नाम उप मुख्यमंत्री के लिए उनको सहयोग देने के लिए तैयार किया है और कल ये दोनों महान भाव योगी जी के साथ शपथ लेंगे। 2:15 दोपहर में 2:15 पे उस मुहूर्त में शपथ ग्रहण होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भाई दरवाजा बंद कर प्लीज दरवाजा बंद कर और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कल 2:15 पे शपथ ग्रहण होगा, उस समय हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह और हमारा पार्टी का सभी संसदीय बोर्ड का सदस्य मौजूद होंगे और साथ ही साथ उसके साथ कुछ सीनियर वरिष्ठ मंत्री भी रहेंगे। साथ ही साथ योगी जी का इच्छा है और मौर्य जी का भी इच्छा है, सभी मुख्यमंत्रियों को भी उन लोगों ने यहां से इन्विटेशन भेजा है और बीजेपी का मुख्यमंत्री आ रहे। साथ ही साथ उन लोगों ने यह भी इच्छा व्यक्त किया हमारा सहयोगी दल जो है एनडीए में वहां का मुख्यमंत्रियों को भी बुलाना चाहिए, इसलिए मैंने खुद उन मुख्यमंत्रियों से बातचीत किया है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, नागालैंड का मुख्यमंत्री और अभी सिक्किम का मुख्यमंत्री, ये तीनों एनडीए का मुख्यमंत्री है और मणिपुर बीजेपी का और बाकी श्री जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी से भी मैंने बात किया है, उन्होंने भी स्वीकार किया है। वो मुख्यमंत्री बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एनडीए का मुख्यमंत्री कल इस उत्सव में आने का संभावना है और पूरी व्यवस्था प्रदेश वाले बैठ के तय करेंगे। हम लोग थोड़ी देर के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो प्रस्ताव पारित हुआ है प्रस्ताव को लेके राज्यपाल महोदय के पास जाके अधिकृत रूप में वो प्रस्ताव राज्यपाल जी को देंगे और सरकार बनाने का दावा करेंगे और बहुमत होने के कारण से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को राज्यपाल जी मुझे विश्वास है वो इन्विटेशन देंगे और कल शपथ ग्रहण के पहले मुख्यमंत्री जी जैसा चाहते हैं ऐसा प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारत अध्यक्ष से बातचीत करके अपने मंत्रिमंडल के बारे में क्या रूपरेखा देना चाहते हैं वो देंगे और जिनका निर्णय हो गया उनका शपथ ग्रहण होगा, बाकी का आगे होगा। इतना ही। और आज का समारोह में पार्टी का वरिष्ठ नेता श्री कलराज मिश्रा जी भी था और ये चयन प्रक्रिया पूरा होने के बाद कलराज जी ने अपना आशीर्वाद भी दिया है योगी जी को और केशव जी को और दिनेश जी को और साथ ही साथ हमारा सहयोगी श्रीमती अनुप्रिया पटेल अपना दल का, वो अपना दल भी राष्ट्रीय दल से भी बड़ा हो गया उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय नेशनल पार्टी से भी और एक सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उनका भी नेता भी आए थे, वो लोग ने भी अभिनंदन किया। मैं सब विधायकों को जिन्होंने मुझे जो दायित्व दिया उसको ठीक तरह से करने के लिए मदद किया उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा कहना इतना ही है उत्तर प्रदेश का ये जीत प्लीज अरे भैया प्लीज ये जीत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक, इट इज ए वॉटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बिकॉज द बीजेपी हैज बिकम नॉट ओनली अ नेशनल पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी बट ए कॉमन मैन्स पार्टी। द यूपी मैसेज इज वेरी क्लियर, द मैसेज इज कंट्री वॉन्ट टू मूव विथ मोदी नंबर वन। नंबर टू दिस मैसेज मैंडेट इज फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए मैंडेट है। नंबर थ्री दिस मैंडेट इज अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट ब्लैक मनी एंड इन सपोर्ट ऑफ द मोदी मूवमेंट। नंबर फोर दिस मैंडेट इज अगेंस्ट कैस्ट पॉलिटिक्स, दिस मैंडेट इज अगेंस्ट कैस्ट पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये भी स्पष्ट हो गया। ये मजहब के आधार पर जाति के आधार पर लोगों को इकट्ठा करके राजनीति चलाने वाले अभी तक जो परंपरा रखा उस परंपरा का स्वस्थ वाक्य उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। कटिंग अक्रॉस कैस्ट, कटिंग अक्रॉस रीजियन, कटिंग अक्रॉस रिलीजियन, ऑल फाइव रीजियंस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑल कम्युनिटीज
दे हैव ओवरवेलमिंगली वोट फॉर द भारतीय जनता पार्टी दैट्स वाई द सेंट्रल पार्टी इज वेरी मच थैंकफुल टू द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड वी विल स्टैंड बाय द वर्ड वी हैव गिवन जो विकास हमारा मुख्य मुद्दा है मेन एजेंडा विकास 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 और तेजी से विकास और उसके साथ सुशासन गुड गवर्नेंस यही मुख्य मुद्दे होंगे बाकी विषयों के बारे में कल शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री जी और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री आप लोगों से मिलेंगे विस्तार से अपना एजेंडा के बारे में उस बार आप उस समय आपसे बात करेंगे सबको धन्यवाद हो गया चयन प्रक्रिया इतना लोग खड़े हो तो वेंकैया नायडू जो कि नेशनल ऑब्जर्वर पहुंचे थे दोपहर को विधायक दल की बैठक से पहले वीवीआई गेस्ट हाउस में एक बैठक हुई उसी में इस नाम पर आखिरी मोहर लगी थी उसके बाद विधायक दल की बैठक में एक प्रस्तावना जारी की गई और अब ऐलान हो गया है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे इस बात का जिक्र और इस बात को आप तक पहुंचा दिया था जी न्यूज ने बहुत पहले सबसे पहले रवि त्रिपाठी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगला सीएम उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ के रूप में मिल रहा है दो डिप्टी सीएम होंगे केशव प्रसाद मौर्य होंगे दिनेश शर्मा होंगे